तो पूरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। ये देखो, ये अभी पीछे एक्सीडेंट हुई थी और ताजी एक्सीडेंट हुई है गाड़ी। ओ भाई, स्कूटी पूरी क्रैश हो गई है। स्कूटी क्रैश, क्या हो गया भाई? लगी तो नहीं? आप ही का है, मालिक तो आप ही हो। मैं तो आपसे डलवा रहा हूँ ना, पैसे आपको दे रहा हूँ। गलत फंस गए भाई, बाहर से ही आ जाते। नहीं नहीं नहीं, किसी को भी YouTube करना है, दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख सकता है, वो हमारा बाप। भाई भी नहीं है जाएगा किसी का कि मेरे से आगे मेरा भाई चले जाए। तो किसी का सपोर्ट का आसरा तो छोड़ दो, बाकी यार घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता भाई। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वीडियोस बनानी पड़ेंगी, मोटो व्लॉग भी करना चाहते हो या व्लॉगिंग भी करना चाहते हो, गेमिंग भी खेलना चाहते हो, तो भाई गेमिंग खेलो ना यार। फैन फोन मत बोला करो, कोई मिलता भी है ना ये मत बोला करो कि भाई बिग फैन, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। फीलिंग में चकदानी फुकरी दे पखदानी, लड़ने के अंदर भी अपना गुद्दा ही होना चाहिए। चाहे तुम 50 बंदे लेके आ जाओ, तुम ही नहीं आगे बढ़ोगे तो 50 बंदे कुछ नहीं करेंगे ना, वो लड़ेंगे तुम्हारे लिए। काम होते जिगरे के साथ काम होते हैं। गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई आज हम अपनी BMW S1000 RR पे एंजॉय कर रहे हैं, मौसम के नज़ारे ले रहे हैं, क्योंकि भाई जो ये वाला नवंबर दिसंबर के अंदर मौसम होता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। जनवरी में थोड़ा वो ठंडा हो जाता है और ज़्यादा। मेन घूमने वाला मौसम है ना वो नवंबर दिसंबर है। कहीं भी आपने जाना है, दिल्ली में भी घूमना है ना, तो सबसे बढ़िया ये मौसम है। और इस टाइम ना डस्ट पोल्यूशन एवरीथिंग बहुत कम होता है। शूज़ बड़े टाइम बाद पहने, लॉन्ग शूज़ देख रहे हो गया, थोड़े से अनकंफर्टेबल था फील हो रहा है। S1000 के फुटरेस है ना, इनके अंदर ना थोड़े बहुत टच होते हैं, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। कोशिश करता हूँ कि मैं दूर रखूँ पैरों को। बाकी यार सरप्राइज आने वाला है बहुत ही जल्दी। हायाबुसा की अभी भी 7 महीने की बुकिंग चल रही है और जितनी भी खड़ी हुई है बाइक्स, तो व्हाइट कलर है वो भाई, एक दो ही बिके थे। और दिल्ली के अंदर भी मेरे ख्याल से दो बाइक होंगी व्हाइट कलर की। एक तो अभी भी मिल रही है वो, बट वो चली थोड़ी ज़्यादा हुई है, 6000 किलोमीटर चली हुई है बाइक। और एक और हायाबुसा है दिल्ली के अंदर ही, वो भी किसी का बात थी, मेरी उनसे बात भी हुई थी, 500 किलोमीटर चली है व्हाइट कलर की। तो उनका पहले देने का मूड बन रहा था, कहते भाई मैं 18.5 से कम दूंगा नहीं, नई बाइक भी इतने की है। तो मैंने कहा चलो भाई डन है ना फाइनल, तो कहते हाँ फाइनल है। उसके बाद भाई उन्होंने मना कर दिया, मैंने सारे सपने सजा लिए थे अपने, बट वो उन्होंने मना कर दिया, कहते भाई नहीं मुझे सेल आउट नहीं करनी। किसी को बताया उन्होंने, हेल्प कर देते हैं इनकी भाई थोड़ी सी। ओ भाई स्कूटी पूरी क्रैश हो गई है। लगी तो नहीं? चलो भाई इसको बंद ही कर लेता हूँ भाई, और मार मूर ना जाए कोई। रंधावा साहब देखो कहाँ घूम रहे हैं अपना, आ जा भाई सुपर बाइक का हॉर्न सुन लो। ये लो, बड़े बंदे कहते कि भाई सुपर बाइक का हॉर्न सुनाओ। और यार एक ना फीलिंग हर्ट करके बंदा था, पता नहीं फीलिंग हर्ट था ऐसे ही कुछ था नाम, मैं भूल गया। मैंने उसका कमेंट रीड करा था और मैंने उसको रिप्लाई भी करा था कमेंट का, वो कह रहा कि भैया कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई मैं आपको एक ही बात बोलूँगा भाई, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता भाई। करना तुम्हें अपने गुद्दे पे ही भरना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। किसी को भी YouTube करना है या कुछ भी करना है तो भाई देखो, सपोर्ट तो बाप के अलावा कोई नहीं करता, क्योंकि एक दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख सकता है, वो हमारा बाप। हमारे जो डैड हैं वो चाहेंगे सिर्फ कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है संसार में। हालांकि भाई भी नहीं है चाहेगा किसी का कि मेरे से आगे मेरा भाई चले जाए। किसी का सपोर्ट का आसरा तो छोड़ दो, बाकी यार तुम्हारे भाई ने तुम्हें बोला ना सपोर्ट करूंगा, भाई सपोर्ट भी उनको करूंगा जो काम करेंगे। तो भाई घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता भाई, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, मोटो व्लॉग भी करना चाहते हो या व्लॉगिंग भी करना चाहते हो, गेमिंग भी खेलना चाहते हो, तो भाई गेमिंग खेलो ना यार। सपोर्ट का भाई उसको आसरा होना चाहिए जो काम करता है। भाई मैं ही काम ना करता तो हमें कौन सपोर्ट करता? आज आप हमें सारे सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ ना अच्छी अच्छी। स्टार्टिंग में आया तो मैंने आपको ये दिखाया कि भाई लोगों की हेल्प करो, सब चीज़ें बताई। ये देखो रिएक्शन देखो, शायद सब्सक्राइबर ही ना हो। ये देखो मुझे भी आप लोगों का ही आसरा है, आप ही मुझे मोटिवेट करते हो, मेरे कमेंट्स करते हो कि भाजी आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई मिलता है। और आज जैसे कि एक ऑटो ड्राइवर मिला मुझे, कहते मेरा भाई आपसे वीडियो कॉल करना चाहता है। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, करवाओ यार वीडियो कॉल, कोई इशू वाली बात नहीं। कहता भैया हम भी ब्लॉग में आएंगे। मैं कहा भाई बिल्कुल आओगे, कोई भी सब्सक्राइबर दिखेगा तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ में मेरे सब्सक्राइबर्स हो, इसलिए भाई मैं कैमरा ऑन करता हूँ, इसलिए आपको दिखाता हूँ। और एक और बात कि भाई जो अपने सब्सक्राइबर्स को फ़ैन कहते हो, यार मुझे तो भाई फ़ैन फोन बोला मत करो। अभी ये भी मिला तो ये भी यही कह रहा था, भाजी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भाई फ़ैन फोन कुछ नहीं होता भाई, तुम मेरे भाई हो, कोई फ़ैन फोन मत बोला करो, कोई ये बोला करो मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। सब्सक्राइबर भी मत बोला करो भाई हो यार तुम मेरे, ना मैंने फीलिंग ली है ना मैं कभी आगे लूँ। फीलिंग मैं चकदानी फुकरी दे पखदानी, तो भाई यही बोलूँगा, जितने भी भाई मिलते हैं यार प्यार ही करते हैं। बात चल रही थी सपोर्ट की, ये बात अपने पर्चे पर लिख लो, सिर्फ घर के अंदर बाप होगा तो वही सपोर्ट करेगा। बाप का दर्जा ना भाई ले पाएगा कभी, चाहे वो बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, जितना मर्जी प्यार करता हो
बाप का दर्जा बाप का ही है, अपने दम पे चलोगे तभी कोई सपोर्ट कर पाएगा, और अपने दम पे ही करोगे जो करोगे, भाई वो मेरे पीछे खड़ा है, तो भाई ये बात छोड़ दो, अपने अंदर ही गुद्दा होना चाहिए, चाहे वो लड़ाई कर लो, लड़ने के अंदर भी अपना गुद्दा ही होना चाहिए, चाहे तुम 50 बंदे लेके आ जाओ, तुम ही नहीं आगे बढ़ोगे तो 50 बंदे कुछ नहीं करेंगे, ना वो लड़ेंगे तुम्हारे लिए। तो भाई एक ही बात बोलता हूँ, गुद्दा रखो अपने अंदर, चाहे वो लड़ने का हो चाहे वो काम करने का हो, जिगरे के साथ काम होते हैं, बोले बिना जिगरे के कुछ नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट करके राजी नहीं है भाई आजकल। ये मेरे पास ये वाली डिज़ायर थी भाई, देख रहे हो पूरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, ये देखो आज ही एक्सीडेंट हुई है गाड़ी, ये मेरे पास डिज़ायर थी, और यार इसके जैसी गाड़ी ना डिज़ायर आज तक कोई गाड़ी नहीं देखी इसकी, आई थिंक 24 देखो हेल्प कर रहा है, 24 या 25 की एवरेज देती थी, हमने पंजाब में भी इतने गेड़े लगाए हैं ना इसके साथ, बहुत बढ़िया गाड़ी है। आज भी पापा एक ही गाड़ी को पूछते हैं, और कौन सी वाली बड़ी डिक्की वाली, मेरे पास डीजल थी गाड़ी, आई थिंक तब 55 रुपीज़ लीटर था, ये देखो कहाँ खड़ा हुआ है, हाथ दे रहा कहता भाजी जाओ, वाओ ये देखो यहाँ चलान कट रहे हैं। तो डिज़ायर जैसी गाड़ी भाई ना बनी है ना बनेगी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी, तो डिक्की इतनी बड़ी है ना, ब्रीज़ा है मेरे पास तो ब्रीज़ा की डिक्की इतनी बड़ी नहीं है कि जैसे कोई एयरपोर्ट से भी आता है ना तो एक छोटी गाड़ी साथ में लेके जानी पड़ती है, वैगनार ले जाओ या सेंट्रो ले जाओ, कि भाई सामान की अभी इतनी दिक्कत आती है कि 3 बैग भी बड़े बड़े नहीं आ सकते, 2 बैग आ जाते हैं ब्रीज़ा के अंदर, 3 बैग बहुत बड़े नहीं आ सकते। अभी गाड़ी को फुल भी करवाना है, ये देखो लाइट आ रही है। बुलेट लवर्स ना पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में नहीं है या दिल्ली में नहीं है, हिंट दे देता हूँ भाई, रंधावा साहब भी बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं, यूट्यूब पर यही लिख के देख लेना कैनेडा बुलेट्स, कि कनाडा में भी लोग इंडिया से पंजाब से स्पेशली कनाडा बुलाते हैं और कनाडा में चलाते हैं बाइक, और वहाँ पे नंबर लग जाता है, थोड़ा बहुत खर्चा आता है। एक्चुअली मैंने भी दो बार ही भेजी है, एक व्हीली भी भेजी है पंजाब से, व्हीली कहते हैं जीप को, जहाँ देखो सरदार बैठा हुआ था बुलेट आई है, देखो सामने बुलेट आ गई है। तो बुलेट लवर बहुत हैं, और यार बुलेट का ना मुझे शुरू से ही शौक है, पहले मेरे पास थी आई थिंक 84-89 मॉडल थी, मैंने पूरी तैयार करवाई हुई थी, उसकी भी फोटो डाल दूंगा, मैंने दे दी है क्योंकि यार उसका ना चक्कर था, एक दो बारी थाने में बंद हुई थी, पर अपना थोड़ी बहुत बातचीत थी तो छूट गई थी बाइक, क्योंकि 15 साल पुरानी बुलेट नहीं चल सकती, 15 साल की इनकी लाइफ होती है, तो थोड़ा बहुत जान पहचान वगैरह लगा के बुलेट छूट गई थी, बहुत पैसे लगाए हुए थे मैंने, इनकी तो तैयार होने वाली हुई बड़ी है, बफ वगैरह भी इंजन नहीं है मेरी, तो DBW ऐसे करके कुछ नंबर था, मैं भूल गया, मैं डाल दूंगा यहाँ पे फोटो, जिन्होंने यार इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा हुआ तो भाई ये आईडी आ रही है इंस्टाग्राम की, फटाफट जाओ और भाई को वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, 1 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, और भाई 1 मिलियन फटाफट सब्सक्राइबर करवाओ, जिन्होंने भी नहीं करा हुआ तो भाई आप अपनी बहनों से भाइयों से और अपने रिलेटिव से भाई अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करवाओ, तुम्हारा भाई कोई गाली नहीं निकालता, कोशिश तो यही करता है, इमो थोड़े बहुत लगा देता है, मतलब हॉट करने वाला कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। बाकी यार हमने शुरू करनी है एक दो और चीज़ें, और भाई यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, भाई बुलेट तो हमने फुल करवा दी थी, तो एक टाइम पे 900 रुपये की फुल होती थी, एक टाइम पे नहीं थोड़ा टाइम पहले, ओ यार ये तो गलत फंस गए हम, लो उतार दें, उतार दूँ यार, गलत फंस गए, सुपर बाइक लग ना जाए, चलो निकाल देते हैं, निकल गई, वो तेरा पला हो जाए भाई आगे लग जाएगी, गलत फंस गए भाई बाहर से ही आ जाते, नहीं नहीं निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, हम आराम से निकालेंगे, लगे ना ओ बच गई, थोड़ी ऊंची है यार बाइक, और कोई बाइक होती तो लग जाती, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका, हम नॉर्मली डलवाएंगे पेट्रोल, उसके बाद एक ढक्कन डाल देंगे इसके अंदर, फुल कर देना, दिनों दिन पेट्रोल बढ़ी जा रहा है, कितने रुपये बढ़ रहे हैं डेली, मुझे तो 50 पैसे लग रहे हैं भाई, ये इतनी जल्दी फुल हो गई है, कितने लीटर आया, 10 लीटर आया, 1179 ना, ठीक है लो ये फायदा भाई पेटीएम का, 1179.62, ठीक है मैम कर दूँ, ये लो एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे पेट्रोल पंप वालों का, आप ही का है मालिक, तो आप ही हो, मैं तो आपसे डलवा रहा हूँ ना पैसे, आपको दे रहा हूँ मैं ना, बिल्कुल मालिक हो, अल 15 लीटर की है शायद बुलेट की, क्योंकि बुलेट का जो पेट्रोल है ना उस दिन 1400 समथिंग का आया था, पता नहीं 1300 समथिंग का आया था, अब इतना मुझे पता नहीं है, पर यार मुझे यार फर्स्ट टाइम पता लगा, कंपनी वालों ने बताया, कहते भाई पीछे 42 होनी चाहिए और आगे 36 होनी चाहिए हवा, और सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि गर्मियों में टायर गर्म होते हैं, और इसके अंदर कोशिश करो कि नाइट्रोजन ही डलवाओ, और पहले भी मैं नाइट्रोजन ही डलवाता था चाहे हायाबूसा हो चाहे कोई भी बाइक हो, सुबह ही मैं कैमरा ना ऑन करता है, आगे मुझे दिख गई AMG, पर ये AMG नहीं है, पुराने वाला मॉडल है, ये देखो मर्सिडीज़ का, ये भाई पूरी गाड़ी उन्होंने कस्टम करी हुई है, पुराने वाला मॉडल है, काफ़ी गाड़ी अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है, ग्रे कलर तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, मेरे रूम में भी ग्रे कलर ही है, ये देखो इसका ढक्कन खुला हुआ है, कैसा लग रहा है पीछे टूट गई है, ढक्कन बंद कर देते हैं इनका, ढक्कन ढक्कन खुला हुआ है।